Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 3 of history of class 6th. Name of chapter is In the Earliest Cities. Students, we have done many questions of this chapter. Now, next questions we are doing. See the next questions. Dekhiye. Ab next questions dekhiye. Question number 21. Write about the cities of Harappa civilization. Harappa civilization के शहरों के बारे में लिखिए. Harappan cities were divided into two parts. Harappan cities जो थे, Harappa संस्कृति के जो cities थे, वो दो भागों में divided थे, बटे हुए थे. First part was smaller but higher. पहला भाग जो था, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था. It was called citadel. इसको साइटाडल या दुर्ग कहा जाता था या किला कहा जाता था. सेकेंड पार्ट वॉज लार्जर बट लोअर. दूसरा पार्ट बड़ा था लेकिन वो निचले एरिया में था. इट वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन. इसको लोअर टाउन कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था. Huge buildings, storehouse were in citadel. जो विशाल इमारतें होती थी, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, जैसे राजा का महल होगा, इस तरह की इमारतें, और storehouses जो भंडार गृह होते थे वो citadel में थे, वो दुर्ग में थे या किले में थे. The houses of lower town were built of baked bricks. जो lower town के घर थे वो भी पकी हुई ईंटों के बने हुए थे. ऐसा नहीं है जो लोअर टाउन था वहां पर मकान जो है कच्ची ईंटों के थे, कोई डिग्रेड मटेरियल था, नहीं. जो लोअर टाउन था, जो आम लोग रहते थे, वो भी बहुत ही अच्छी पकी हुई मिट्टी की जो ईंटें थी उनसे बने हुए थे. अब है ड्रेन्स, देखिए नलियां, जो नालियां थी वो देखिए. ड्रेन्स वर कवर्ड, नालियां ढकी हुई थी. Each drain had a smooth and gentle slope. हर एक नाली के बिल्कुल समतल और बड़ी ही अच्छी तरीके से स्लोप दी गई थी उसको. उसको जो है ऊपर से नीचे की तरफ उसको जो है ऐसे बनाया गया था कि पानी आराम से निकल सके. So that water could flow easily. यानी कि पहले वो ऊंचाई पर थी, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती जाती थी. मीन स्लोप दी गई थी नालियों की बनावट में, ताकि पानी इजीली बह सके, ऊपर से नीचे आ सके. मेन होल्स वर मेड टू क्लीन द बिगर ड्रेन्स. जो छोटी नालियां थी वो फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती थी, और वहां पर मेन होल्स बने हुए थे. मीन्स उनको साफ करने के लिए मेन होल्स बने हुए थे, ताकि बड़ी नालियों को साफ किया जा सके. थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है मेन होल्स बने हुए थे नालियों को साफ करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22. डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हरप्पन सिटीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर्स हर्डर्स यू रीड इन चैप्टर 2. क्या आप सोचते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति के शहरों के फार्मर्स थे और पशुपालक थे, जो शहरों में अपना सामान या भोजन सप्लाई करते थे, उनकी लाइफ जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग में भी फार्मर्स थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग में भी हर्डर्स थे, उन फार्मर्स से और उन पशुपालक से, देखिए हरप्पा संस्कृति के फार्मर्स और हर्डर्स, फार्मर्स कैसे हर्डर्स हरप्पा सिविलाइजेशन, देखिए किसान और पशुपालक हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम. एंड फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, जो मध्य पाषाण युग था उस समय के किसान और हर्डर्स के बारे में. फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड
पीपल लिव्ड इन सिटीज, ये हड़प्पा संस्कृति के किसान और पशुपालक हैं। इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में हड़प्पा संस्कृति में ये लोग शहरों में रहते थे। दे वर क्राफ्ट्समैन, ये हस्तशिल्पकार थे, ये शिल्पकार थे एंड रूलर्स और शासक भी थे। मीजोलिथिक पीरियड के देखो, दीज पीपल वर फार्मर्स एंड हर्डर्स, ये लोग फार्मर्स थे और हर्डर्स थे केवल, ये लोग सिटीज में नहीं रहते थे। पॉइंट टू, हड़प्पा सिविलाइजेशन, दे ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, ये फसल उगाते थे और पशु पालते थे। एंड सप्लाई फूड टू द सिटीज, और शहरों में अपना भोजन भेजते थे, मींस मिल्क भेजते थे, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट भी भेजते होंगे ये लोग, जो शहरों में अपना सामान, प्रीपेड सामान या मिल्क वगैरह भेजते थे। जो शिल्पकार थे वो अपना सामान भेजते होंगे, अपने हाथ से बनाई हुई चीजें भेजते होंगे। दे डिडंट सप्लाई फूड टू एनीवन, ये लोग कोई भोजन किसी को सप्लाई नहीं करते थे, आगे नहीं भेजते थे। पॉइंट थ्री, दे हैड न्यू टूल्स लाइक प्लो, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे इनके पास नया औजार था एक हल के रूप में। हल से ये लोग मिट्टी को ऊपर नीचे करते थे, बीज बोते थे और अच्छे तरीके से खेती करते थे। पॉइंट थ्री, मेसोलिथिक पीरियड का देखिए, दे डिडंट हैव न्यू टूल्स, इनके पास नए औजार नहीं थे। दे डिड वर्क विद स्टोन टूल्स, ये जो पत्थर के जो औजार थे उन्हीं से अपना काम चलाते थे, अपना काम करते थे, कोई नई तरह का औजार इनके पास नहीं था। फोर्थ पॉइंट, दे लिव्ड इन सिटीज, ये शहरों में रहते थे, और जो मीसोलिथिक पीरियड के लोग थे दे लिव्ड इन केव्स, ये गुफाओं में रहते थे, जहां पर भी इनको शेल्टर मिल जाती थी वहां पर ये लोग रहते थे। इनको अभी घर बनाने नहीं आते थे, जो मध्य पाषाण युग के लोग हैं, और ये नई तरह के घर नहीं बना सकते थे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है। हमने यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा है कि हड़प्पा संस्कृति कितनी ऊंची संस्कृति थी। यहाँ पर लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से अपने घर बनाकर रहते थे, अपने घर बनाते थे तो देखिए सड़कें भी थी वहां पर गलियां भी पक्की थी, और हड़प्पा संस्कृति में घरों के सामने नालियां भी थी जो ढकी हुई थी, और स्लोप था नालियों में। सबसे अच्छी बात थी कि उस समय में देखो कितना प्लान के साथ में सिटी बसाया जाता था कि स्लोप दी गई थी नालियों में ताकि पानी इजिली फ्लो कर सके। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ये बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता थी, जो कि वहां पर जो भी अवशेष मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि वो लोग कितने समझदार थे और कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते थे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो एक ये वाला जो चैप्टर है ये एक आपकी तरह पढ़ने वाली सिक्स क्लास में गर्ल की बातचीत से शुरू होता है। देखिए अब हम इसमें पढ़ते हैं, मैरी इन द लाइब्रेरी, मैरी ने कभी लाइब्रेरी नहीं देखी थी, अब वो लाइब्रेरी में है। देखिए, एज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम, टीचर ने, अध्यापक ने बच्चों को उनका अनुसरण करने के लिए कहा, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम जा रहे थे। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी ने अंदर की तरफ कदम रखा, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम, उसने देखा कि लाइब्रेरी जो है वो उसके अपने क्लासरूम से बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स, वहां पर बहुत सारी
अलमारियां हैं जो कि किताबों से भरी हुई हैं। इन वन कॉर्नर वॉज ए कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कोने में एक कबर्ड थी, एक अलमीरा थी, एक अलमारी थी जो कि पुरानी किताबों से भरी हुई थी। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड द टीचर सेड। तो मैरी जो है उसको अलमीरा को खोलने की कोशिश करने लगी तो टीचर ने जब उसको खोलते हुए देखा तो टीचर ने कहा दैट कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। इस कबर्ड में बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं, अलग अलग धर्मों की बुक हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। क्या तुम जानते हो हमारे पास वेदों का एक समूह है, वेदों की बहुत सारी कई किताबें हैं। व्हाट आर वेदास, ये वेद क्या होते हैं? मैरी वंडर्ड, मैरी को आश्चर्य हुआ। लेट अस फाइंड आउट, आओ हम देखें। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियर्स टेल्स अस, किताबें और बरियर्स हमें क्या कहती हैं, ये क्लास सिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है और हिस्ट्री का चैप्टर है। अब देखिए इस लेसन में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो देखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब वो कौन सी है। पॉइंट नंबर 2, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और दूसरी भाषाएं। थर्ड पॉइंट, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, इतिहासकारों ने स्टडी की किसकी, ऋग्वेद की, जो कि हमारा एक वेद है सबसे पुराना, कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है इतिहासकारों ने इसका अध्ययन कैसे किया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, संसार की पुरानी किताबों में से एक, अब वो कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में, वेदों के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, ये 4 हैं, द ऋग्वेद, द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद है। कंपोज्ड अबाउट 3500 इयर्स एगो, इसकी रचना 3500 साल पहले की गई थी। सबसे पुरानी किताबों में से एक है ये हमारी ऋग्वेद। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कॉल्ड सुक्त और वेल सेड, जिनको सुक्त बोलते हैं या अच्छी तरह से बोला जाने वाला कहा गया है। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गोडेसेस, ये प्रार्थनाएं विभिन्न देवी और देवताओं की प्रशंसा करने के लिए कही गए हैं। दीज 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, 3 देवता जो इम्पोर्टेंट हैं, अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता, इंद्र अ वॉरियर गॉड, युद्ध के देवता इंद्र, एंड सोम, और सोम देवता, ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, और जिससे कि एक पौधा है जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती थी। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस ऋषिज, ये प्रार्थनाएं ऋषियों के द्वारा बनाई गई थी। प्रीस्ट टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। ये जितने भी हमारी प्रार्थनाएं हैं ये आचार्यों के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी, और जो है स्टूडेंट क्या है उनको टू रिसाइट एंड मेमोराइज, उनको स्टूडेंट्स को उनको याद करने के लिए, उनको गाने के लिए इन प्रार्थनाओं को सिखाया जाता था। हर एक अक्षर को बड़े ध्यान से, हर एक वर्ड को, हर एक वाक्य को थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही केयर के साथ आराम से उसको गाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड टॉट एंड लर्नड बाय मैन, जितनी भी अधिकतर हमारी प्रार्थनाएं हैं ये सभी प्रार्थनाएं जो है वो पुरुषों के द्वारा रची गई, पढ़ाई गई
और उनको समझाया गया और उनको स्टूडेंट्स को सिखाया भी गया. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वीमेन, कुछ जो प्रार्थनाएं थी वो महिलाओं के द्वारा रची गई, लेकिन अधिकतर रचनाएं जो हैं वो पुरुषों के द्वारा, अधिकतर जो जितने भी ये यहाँ पर इसमें प्रार्थनाएं हैं वो सब पुरुषों के द्वारा जो है रची गई. द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, हमारा जो ऋग्वेद है ये पुरानी वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है. विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, वो संस्कृत भाषा जो आज हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं उस संस्कृत भाषा से अलग थी. जो जिस संस्कृत भाषा में ये ऋग्वेद लिखा गया है वो भाषा अलग थी, जो आज हम संस्कृत भाषा स्कूल में पढ़ते हैं ये अलग है, इस भाषा से वो भाषा बिल्कुल अलग थी. तो स्टूडेंट्स इसको लेसन को पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.